तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में टॉप 3 एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ जो 2022 में फेमस होने वाले हैं, और ये वीडियो क्विक रिव्यू होने वाला है। तो मेरे लिस्ट में जो नंबर 3 पे है उसका नाम है उज़ुमाकी। इसका जनर है डार्क फैंटेसी, साइकोलॉजी, हॉरर, सुपरनेचुरल। इसके राइटर का नाम है इतो जुनजी। इसके टोटल 4 वॉल्यूम्स और 4 एपिसोड हैं। इस एनिमे को एनिमेट किया है स्टूडियो ड्राइव ने। उज़ुमाकी की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिले करते हैं स्पाइरल्स के ऊपर। स्पाइरल्स एक मिस्टीरियस शेप है जो हमें सोचने को मजबूर करता है कि है क्या। इस तरह के तमाम सवाल इतो जुनजी के दिमाग में भी आए और उस स्पाइरल को ही अपने स्टोरी का थीम बना लिया। इस स्टोरी में किरिए के फ्रेंड के डैड स्पाइरल्स से पोजेस्ट होते हैं और इतना ज़्यादा कि स्पाइरल की कलेक्शन ही अपने घर में रखते हैं। किरिए के फ्रेंड की मॉम एक दिन उसके डैड की सारी कलेक्शन घर से निकाल देते हैं। उसके बाद एनिमे में क्या होता है वो हमें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरे लिस्ट में सेकेंड नंबर पर जो एनिमे को मैंने रखा है उसका नाम है ब्लीच। इसका जनर है एक्शन, एडवेंचर और सुपरनेचुरल। इसके राइटर का नाम है कुबो टीटे। इसके टोटल 366 एपिसोड है और 4 मूवी है। ब्लीच 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इसका फर्स्ट पार्ट 11 अक्टूबर को रिलीज होगा। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो पायरेट ने। इस स्टोरी में इची को हमेशा ही हारता है, जिससे वो ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट होता है और न्यू पावर अनलॉक करता है। जब वो ग्रीन जो से पहली बार फाइट करता है तब वो हार जाता है। उसी तरह आर्क्यूरा से और जितने भी न्यू कैरेक्टर से मिलता है उनसे वो फाइट करता है और फिर हार जाता है। इसकी वजह से हमें नेक्स्ट फाइट में इंटरेस्ट बढ़ता है। इस स्टोरी का जो मेन विलेन है उसका नाम है आइजन, जो एक इंटेलिजेंट, पावरफुल और मास्टरमाइंड है। उसने सीरीज में हर इवेंट को कंट्रोल किया है और उसने ऐसे हालात क्रिएट किए हैं जिससे इचिगो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। मैंने थर्ड नंबर पर जिस एनिमे को रखा है उस एनिमे का नाम है चेंसो मैन। इसका जनर है हॉरर, डार्क फैंटेसी, साइकोलॉजी और एक्शन। इसके राइटर का नाम है तत्सुकी फुजीमोटो। इसे एनिमेट किया है मापा स्टूडियो ने। 12 अक्टूबर को ये एनिमे रिलीज होगा। मापा स्टूडियो ने एओटी और जुजुत्सु कैसे जैसे बड़े बड़े मूवी को एनिमेट किया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल की एनिमेशन होने वाली है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये एनिमे इसके कैरेक्टर को आर्मर प्लॉट देता नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करेगा कि आर्मर प्लॉट होता क्या है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है इस एनिमे में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है, मतलब कोई भी कैरेक्टर किसी भी वक्त किसी भी पल मर सकता है। मैं इस वीडियो में आगे कुछ ऐड करना चाहता हूँ बट मैं ऐड नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपको स्पॉइलर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए।